श्री कृष्णा, स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। हमारे घर का मुख्य द्वार बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है हमारे घर में आने वाली सुख समृद्धि के लिए, प्रेम के लिए, घर में बरकत के लिए और साथ में घर में बढ़ते हुए तनावों को रोकने के लिए। घर के कलह, घर में आपसी मनमुटाव, इसका बहुत प्रमुख कारण होता है हमारे घर का मुख्य द्वार। अगर मुख्य द्वार साउथ, साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट है तो ये मान के चलिए ये लॉसेस का घर है। ये ऐसा घर है जहाँ पर आप कितना भी कंट्रीब्यूट कर लीजिए, आपको दिक्कतें आने ही वाली हैं। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ, लेकिन उससे पहले आपकी सारथी हूँ, इसलिए आपको जीवन की कुछ बहुत प्रमुख चीज़ें बताने चली आती हूँ। घर की दिशा क्या है, घर का गेट कैसा है, घर का मुख्य द्वार आपके जीवन में क्या क्या चीज़ें लेकर आ रहा है, ये सारी चीज़ों पर तब चर्चा होती है जब हमें ज्ञान हो। इन पर तब बात होती है जब आपके जीवन में कोई एक सही इंसान हो जो आपको सही डायरेक्शन दे दे। परंतु अगर ऐसा ना हो तो ऐसा क्या करें जिससे हमारे घर में हमेशा चीज़ें बैलेंस रहें, घर के अंदर कलेश ना हो, मनमुटाव ना हो, बच्चों की प्रोग्रेस अच्छी हो, पति का काम अच्छा चले और हमारा स्वास्थ्य परफेक्ट हो और सबसे बड़ी बात, सबके बीच में प्रेम भरपूर रहे। ईश्वर का, बुजुर्गों का और पितरों का आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहे। कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि साउथ के घर होने के बावजूद, साउथ ईस्ट के घर होने के बावजूद भी उन घर के अंदर नकारात्मक प्रभाव बहुत कम होते हैं। ऐसा क्या होता है उन घरों में, ऐसा क्या होता है जो उन घर के अंदर प्रेम बना रहता है, उस घर में तनाव, सुख समृद्धि हमेशा उसी तरह की होती है जैसे मनुष्य चाहता है। उस घर के अंदर बच्चे भी सफल होते हैं, संस्कारी होते हैं, माँ बाप का बात और माँ बाप की पहचान होते हैं। परंतु ऐसा क्या करते हैं उस घर के लोग, ऐसा क्या उन लोगों के जीवन में वो लोग उतार लेते हैं जिससे उनको कोई भी दिशा से नकारात्मकता मिलती ही नहीं है, उनके जीवन में सब कुछ सकारात्मक रहता है। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती हूँ जो आप सुबह उठते ही अगर कर लेते हैं तो आपके घर के मुख्य द्वार पर हमेशा बरकत बनी रहती है। माँ लक्ष्मी जी का और गणेश जी का आशीर्वाद मुख्य द्वार पर सदा सर्वदा विराजमान रहता है। सुबह उठकर अगर आप एक लोटा पानी अपने मुख्य द्वार पर डालकर वहाँ पर अच्छी से सफाई करते हैं, पोछा लगाते हैं, तो ऐसा करने से बरकत हमेशा बनी रहती है। अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ हल्दी का स्वास्तिक बनाकर रखते हैं और गुरुवार के दिन ये कार्य करते हैं तो आपके घर के अंदर बरकत हमेशा बनी रहती है। एक कौड़ी, एक सिक्का और एक हल्दी की गांठ अगर आप अपने मुख्य द्वार पर टांग देते हैं तो इससे आपके घर के अंदर बरकत हमेशा बनी रहती है। तुलसी की पत्तियाँ डालकर अगर आप अपने घर में कुछ देर रखने के पश्चात छिड़काव करते हैं तो आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा उसी तरीके से बनी रहती है जैसी आपको चाहिए होती है। अगर आपके घर में नियमित रूप से पूजा पाठ होता है, आपके घर में आए हुए व्यक्ति का सम्मान होता है, आपके घर से गरीबों के लिए कुछ ना कुछ नित नियम से जाता है और आपके घर में गाय और पशु पक्षियों के लिए नियमित रूप से भोजन निकलता है तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा हमेशा बनी रहती है। अगर गाय के कंडे को आप जलाने के बाद उसका भस्म बनाकर उसके अंदर अगर आप एक तांबे का सिक्का बांधकर लाल कपड़े की पोटली के साथ अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग देते हैं, डायरेक्शन कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इससे भी आपके घर के अंदर हमेशा वैसा माहौल रहता है, वैसी चीज़ें रहती हैं जैसा आप चाहती हैं। करिएगा ज़रूर ये सारे उपाय और मुझे बताइएगा ज़रूर। अगर इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है जो आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, कहकर अपने आप को हल्का करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए, मैसेज करिए या व्हाट्सअप करिए और अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर लीजिए। मैं जल्द आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, रिश्तों में मजबूती बना के रखिए, अपने सारथी के साथ यहीं जुड़े रहिए, प्यार देते रहिए, प्यार लेते रहिए, ख्याल रखिए अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आऊंगी, ख्याल रखना अपना, लव यू ऑल, जय श्री कृष्णा। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ
अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपनी भविष्यवाणियों के जरिए माँ त्रिशला लोगों को करियर, बिजनेस, प्रेम संबंधी, शादी में बाधा, कोर्ट केसेस और शत्रु बाधा, वशीकरण, वास्तु दोष आदि समस्याओं का सही निवारण बताती हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन सवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है। आपके संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष उत्सवों एवं संस्कारों पर किए जाने वाले संगीतमय मंत्रोच्चारण द्वारा अनुष्ठान, हवन, पाठ आदि कर्मकांड मन मोह लेने वाले होते हैं। माँ त्रिशला लाखों लोगों को ऑनलाइन सर्विसेज के जरिए उनकी समस्याओं का प्रभावशाली निराकरण कर रही हैं। आप अपनी सारथी माँ त्रिशला से वेबसाइट www.astrotrishla.com पर या फेसबुक के माध्यम से जुड़कर ऑनलाइन भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए जुड़ें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो त्रिशला या डायल करें 9828923301 पर।